नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। आप देख रहे हैं कैच टेक्निकल। आज हम सीखेंगे इस वीडियो में कि बिहार के लोगों के लिए है सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए जाति आवासीय आय तीनों चीज आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं घर बैठे। तो चलते हैं इस वीडियो में, हम लोग सीखेंगे कि घर बैठे जाति आवासीय आय ऑनलाइन कैसे करें। आपको सिर्फ आधार नंबर की जरूरत होगी, वो आधार नंबर आपको 7 वर्किंग डेज के 7 दिन के अंदर आपको ब्लॉक में जाना होगा लेकर। वहां पर जैसे ही हम लोग जाएंगे वो आधार नंबर देंगे और आपके पास जो रिसिप्ट होगी वो रिसिप्ट देंगे, तो वहां से आपको तुरंत हैंड टू हैंड आपको जाति आवासीय आय जो भी ऑनलाइन हम लोग करेंगे वो हैंड टू हैंड मिल जाएगा। आपको लाइन में लगने की जरूरत नहीं है, घर बैठे ऑनलाइन कर सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो में और देखते हैं कि कैसे करें। सबसे पहले हम लोग गूगल क्रोम पे RTPS लिखेंगे। RTPS लिखने के बाद आप वहाँ पे इंटरफेस बटन दबाएंगे, आपके सामने ये फर्स्ट वाला जो ऑप्शन आएगा RTPS लिखा हुआ, उस पर हम लोग क्लिक करते हैं। जैसे हम लोग उस पर क्लिक करेंगे आपके सेवा लोक सेवाओं का अधिकार आपके सामने ये पोर्टल खुल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारी सर्विसेज जो RTPS के माध्यम से आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं, आज हम लोग सीखेंगे जाति आवासीय और आय अप्लाई करने के लिए। ये तीनों आप एक ही पोर्टल से अप्लाई कर सकते हैं, इसमें आप नया डाउनलोड भी कर सकते हैं अपना जाति आवासीय आय तीनों चीज़। तो सबसे पहले ये एप्लीकेशन स्टेटस है, आप देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पे एप्लीकेशन स्टेटस है। आपके बाद यहाँ ऑफिशियल लॉगिन सर्टिफिकेट डाउनलोड अप्लाई ऑनलाइन आप देख सकते हैं, वहाँ पर हम लोग क्लिक करते हैं। अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश जो सिलेक्ट करेंगे वो आपको वर्ड यहाँ पे चेंज हो जाएगा, तो हम लोग हिंदी में ही सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद आप ये टर्म कंडीशन पढ़ने के बाद आई एग्री पे हम लोग क्लिक करते हैं, मैं सहमत हूँ। क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे दो ऑप्शन आएंगे, आपका एक ऑप्शन आएगा ब्लॉक, एक ऑप्शन आएगा आपका दिल्ली वाला। तो आप लोग ब्लॉक वाला क्लिक करके, आपको ब्लॉक से लेना है तो हम लोग ब्लॉक पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लॉक लिखा हुआ आएगा प्रखंड, यहाँ आधार नंबर डालने के लिए आपको कहेगा, यहाँ आप अपना आधार नंबर टाइप करेंगे। उसके बाद यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे टिक लगाएंगे। टिक लगाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे नाम लिखने के लिए आया हुआ है, यहाँ पे उस कस्टमर का नाम, जैसे हम अप्लाई कर रहे हैं तो हम अपना नाम यहाँ पे टाइप करेंगे। नाम टाइप करने के बाद यहाँ पे आप हिंदी में देखेंगे कि आपका हिंदी में वो नाम दिख रहा है, तो यहाँ पे भी अपना ही नाम लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पे आप नीचे सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग नीचे क्लिक करते हैं, पहले नाम टाइप कर लेते हैं, उसके बाद उसके नीचे आप सर्टिफिकेट देखेंगे, वहाँ पे हम लोग सर्टिफिकेट पे क्लिक करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पे सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट पे हम लोग क्लिक करेंगे। सर्टिफिकेट पे क्लिक करते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका तीनों सर्टिफिकेट यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए दिया हुआ है। सबसे पहले आप यहाँ पे तीनों सर्टिफिकेट को सिलेक्ट करेंगे जो आपको अप्लाई करना है। हम लोग को रेसिडेंटल सर्टिफिकेट आवासीय अप्लाई करना है, तो हम लोग आवासीय पे क्लिक करेंगे। इसके क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे वैलिड आपके जो आधार नंबर है, वैलिड मोबाइल नंबर, आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर टाइप करना होगा। मोबाइल नंबर टाइप करने के बाद आपको आगे बढ़ना होगा, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना होगा। जैसे ही हम लोग नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे कुछ देर वेट करना होगा। वेट करने के बाद आपके आधार नंबर जो है OTP और 4 आधार नंबर, यहाँ पे आपके आधार नंबर में जो नंबर जुड़ा होगा वो वहाँ पे आप टाइप कर देंगे। वहाँ पे आपका आधार नंबर का OTP यहाँ पर डालने के बाद आप इस तरह का इंटरफेस देखेंगे। सामने आप देख सकते हैं यहाँ पे आवेदक का पूरा डिटेल्स फिलअप करना होगा, उसके बाद आप यहाँ पे ऑनलाइन कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग अपना श्री ले लेते हैं, उसके बाद आप जो भी हैं यहाँ श्री मिस्टर जो भी हैं आप अपना ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भी आपको पति लेना है या पिता, तो हम अपने पिताजी का नाम लिखेंगे तो यहाँ पे पिता ले लेंगे। अगर किन्हीं का अपनी वाइफ का पति का नाम लिखना है तो वहाँ पे आप पति का नाम लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे आप अपना फादर्स नेम या हस्बैंड नेम यहाँ पे टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद
यहाँ पे आपको सेम चीज वही टाइप करना है। यहाँ पे आप वही चीज टाइप करेंगे, फादर नेम या हस्बैंड नेम। उसके नीचे आप माता का नाम देख सकते हैं, मदर्स नेम, तो यहाँ पे अपनी माँ का नाम डालेंगे। उसके नीचे भी आपको मदर्स नेम इंग्लिश में लिखा हुआ आएगा, वहाँ पे भी अपना माँ का नाम डालेंगे। उसके नीचे आप देख सकते हैं कि यहाँ मेल फीमेल, लिंग पुरुष या स्त्री, तो हम लोग पुरुष हैं तो पुरुष सेलेक्ट करेंगे और स्त्री हैं तो स्त्री सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रमंडल, प्रमंडल आपका जिस प्रमंडल में आता होगा वो प्रमंडल सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे अपना प्रमंडल सही सही चुनेंगे, अगर गलत चुनेंगे तो आपका ब्लॉक और पंचायत जो भी है आपका यहाँ ब्लॉक नहीं शो करेगा, आपका प्रखंड यहाँ पे शो नहीं करेगा। तो हम लोग सही सही सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हम लोग यहाँ पे प्रखंड सेलेक्ट करते हैं, प्रखंड आप के बाद जिला सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद अनुमंडल सेलेक्ट करते हैं। प्रखंड में हम लोग यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद आप ग्राम मोहल्ला, जो भी आपका गांव का नाम है वो आप यहाँ पे टाइप करेंगे, आपका जो भी गांव का नाम है यहाँ पे टाइप करेंगे। उसके नीचे अगर आपका वार्ड संख्या है तो अपना यहाँ वार्ड नंबर इंटर करेंगे, वार्ड नंबर लिखेंगे जो भी आपका वार्ड नंबर है। अपना पोस्ट ऑफिस लिखेंगे, अपना थाना लिखेंगे। आवेदन का उद्देश्य अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि हमको किस चीज़ के लिए अप्लाई करना है, आवासीय की ज़रूरत है, यहाँ पे लिख के। अगर नहीं चाहते हैं लिखना तो कोई बात नहीं, यहाँ पे आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम लोग ये करेंगे तो आपके सामने एक शपथ पत्र आपके सामने आएगा, यहाँ पे मैं सहमत हूँ। ये सब आपको पढ़ने के बाद आपको नीचे एक मैं सहमत हूँ आई एग्री पे क्लिक करना होगा। ये सारी चीज़ों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें, उसके बाद आई एग्री पे क्लिक करें। जैसे ही आई एग्री पे क्लिक करेंगे उसके बाद सेव का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे जैसे ही हम लोग सेव करेंगे आपके सामने आपका रिसिप्ट जनरेट होके आ जाएगा और एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा और आपके मोबाइल पे एक SMS भी चला जाएगा कि आपका एप्लीकेशन ID इतना है, आप ये एप्लीकेशन ID रजिस्टर करिए हैं, आप इसके लिए रजिस्टर किए हैं। यहाँ पे आपको यही नंबर आपको मैसेज में भी चला जाएगा। आपके सामने ये रिसिप्ट जनरेट हो गया, इसको आप Ctrl+P बटन से भी प्रिंट कर सकते हैं और यहाँ का प्रिंट का ऑप्शन भी दिया गया है तो आप वहाँ से भी प्रिंट कर सकते हैं। इसमें आपको डेट दिया गया है कि कब आपने ऑनलाइन किया था, आपको मिलने की तारीख कब है। इसमें आप उस तारीख को अपना आधार कार्ड और ये रसीद वहाँ पे ले जाएंगे ब्लॉक में। वहाँ पे आपको जो RTPS सेंटर होता है वहाँ पे जाने के बाद ये दोनों आप दिखाएंगे तो वहाँ पे आपको हैंड टू हैंड तुरंत मिल जाएगा, आपको कुछ लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है, आप आसानी तरीके से ले सकते हैं। तो चलिए इसके बाद हम सीखते हैं, इसके बाद फिर हम लोग RTPS पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे एप्लीकेशन स्टेटस है, आप देख सकते हैं सबसे पहला ऑप्शन। उसके बाद यहाँ एप्लीकेशन स्टेटस पे हम लोग क्लिक करते हैं। हम लोग ने जो अप्लाई किया था वो यहाँ पे नंबर, एप्लीकेशन नंबर डालने के बाद फिच करते हैं। आप यहाँ पे प्रोसेस चेक कर सकते हैं कि हमारा प्रोसेस हुआ है या नहीं हुआ है। अप्लाई करने के बाद यहाँ पे आप चेक कर लेंगे। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे मैसेज पे, तो मैसेज पे आपका शो नहीं होगा क्योंकि आपको वो अपडेट सुविधाएँ फैसिलिटी ऑटोमेटिक मिलते रहेंगी। उसके बाद ये तत्काल है, अप्लाई ऑनलाइन हम लोगों ने कर लिया। इसके नीचे प्रिंट आपका रिसिप्ट अगर खो गया हो तो यहाँ पे अपना वो रेफरेंस नंबर जो ID आपको मिला था वो ID को टाइप करेंगे, उसके बाद सर्च बटन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने फिर से वो रिसिप्ट जनरेट हो जाएगा। आप यहाँ से हिंदी में चाहते हैं तो हिंदी, इंग्लिश में चाहते हैं तो इंग्लिश ऊपर में क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिक ये हिंदी इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको बहुत ही आसानी की तरीके से आप इसको फिर से डाउनलोड कर सकते हैं अगर खो गया है आपका रिसिप्ट तो। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं सर्टिफिकेट वेब कॉपी, अगर आपका जातीय आवासीय आय कुछ भी आपका खो गया है तो आप यहाँ से फिर से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए आपको एप्लीकेशन ID की ज़रूरत होगी और वो भी आप यहाँ पे टर्म कंडीशन पढ़ने के बाद अपना एप्लीकेशन ID डालकर फाइंड करेंगे, उसके बाद वहाँ पे आपका डाउनलोड हो जाएगा वेब कॉपी। इसके अलावा भी यहाँ पे बहुत सारे सर्टिफिकेट दिए गए हैं यहाँ से भी, और कुछ कुछ जो आप डाउनलोड करना चाहते हैं जैसे हिंदी फोन टाइपिंग वगैरह वगैरह ETC आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, तो अच्छा लगा तो प्लीज इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो चलते हैं आज के लिए यहीं तक।